तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ फटाफट से घर, ठीक है ना? अभी टाइम हो गया है 4:30, ठीक है? आज मैं बहुत लेट भी लोग स्टार्ट कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, अभी तो हम लोग जाते हैं घर फटाफट से, ठीक है? और घर जाके कराची किंग वर्सेस मंडावर के अंदर का मैच देखते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो बस चलते हैं, और फिर आज का लोग भी स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू उदी एंड अदर। अच्छा जी, अंकल लगता हूँ मैं भैया को। फाइनली भाई, 1 घंटे का सफर हमने तय किया है, 5 मिनट में। सो बस चलते हैं घर, कुछ खाते पीते हैं, बहुत भूख लग रही है। दरवाजा बंद करो। सो भाई फाइनली मैं तो आ गया था भाई अम्मा के घर से, खाना खाया और भाई इधर चला कराची वर्सेस लाहौर का मैच, मतलब कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। देख सकते हैं भाई इधर बैन कटिंग बैटिंग कर रहे हैं 173/5 और ये बैन कटिंग ने हिट कर दिए 6 रन, पक्का पक्का भाई 6 रन। भाई देखें भाई 20 बॉलों पर आपके रन आए कम से कम 43, बहुत अच्छा यार। विकेट, क्या लगता है आज अब्दुल मतीन कौन जीतेगा? वैसे कराची है तो बाहर, बट आप बताओ कौन जीतेगा? कराची तो है पर बाहर है ना, आज लास्ट मैच है इनका, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। आज बताओ कौन जीतेगा? लाल वाली है ही नहीं। कराची जीतेगी, कौन जीतेगा बताओ? ग्रीन वाली जीतेगी। चलो भाई आज अब्दुल मतीन ने पार्टी बदल दी, ग्रीन वाली जीतेगी। तो देखते हैं क्या होता है। ओए भाई ये भी 6 मार दिया मुझे लग, देखते हैं भाई 3 बॉलों पर 16 रन आ चुके हैं। कैच बॉल पे कौन जीतेगा, रऊफ या कटिंग? तो भाई बोल्ड नो LBW आउट हो गए यार। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी इनिंग के लिए भाई कटिंग ने 2 छक्के मारे और 1 छक्का भी मारा था इससे पहले, 1 और छक्का मारा था वो भी रऊफ को ही मारा था भाई, 3 छक्के फिर रऊफ को मारे। फटाफट से काम करूंगा, हमें प्रैक्टिकल जनरल बनाना है अभी केमिस्ट्री का, तो फटाफट से बनाते हैं। स्टोर की 5 बॉल रहती हैं और न्याजी ने हिट कर दे, आउट हो गया भाई। ये भाई लास्ट बॉल और ये नेट प्रॉब्लम हो गई है, क्या लगता है? नहीं, ये आउट हो रहा ना, आउट नहीं बच्चे। ओ चलो एक और हो जाए। सो हमारे पास रन है 195 का टारगेट है। तो अभी ये इनका भी ब्रेक है, तो अभी भी हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते हैं, स्कूल का टीम प्रैक्टिकल जर्नल बनाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई फाइनली एक इनिंग के बाद, सो अभी लाहौर के हैं भाई 61 पे 4 विकेट और 10 ओवर हो चुके हैं। अब तो कराची के हाथों में है मैच, क्या पता भाई क्रिकेट है किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। फिर वक्त अभी डेविड वेज है और हुसैन तलत खड़े हैं। अब्दुल मतीन आप इधर क्या पढ़े हैं, इंग्लिश देख रहे हैं? चलें देखिए भाई, इधर तो कराची ने रिव्यू ले लिया है डेविड वेजे के लिए इमरान तक। बस खैर मैं आपको एक चीज़ बताता दूँ कि भाई इधर मैं बना रहा था अपनी डायग्राम, और ये आप बताइएगा कि ये डायग्राम कैसी बनी है, ठीक है? ये डायग्राम बनाइए और अब्दुल मतीन कैसी बनी है डायग्राम? तीनों की अच्छी बनाई है ना। सो हमारे पास दूसरी डायग्राम एक ये है, एक ये डायग्राम बनाइए, ठीक है? और एक ये है, ये तीनों डायग्राम अभी के अभी बनाई है और अभी भी 5 बनानी है। सुबह फटाफट से बनाते हैं और अभी ये देखते हैं कराची का रिव्यू। नो डाउट है। चलो खैर कोई नहीं, अब लास्ट ओवर भी आपको बताएंगे, सेकेंड लास्ट ओवर या लास्ट ओवर उसमें देखते हैं फिर क्या होता है मैच का, फिर आपको बताते हैं। तो भाई कराची मैच तो ये जीत चुकी है, 19 बॉलों पर 102 रन चाहिए और लास्ट विकेट है, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे बस क्या बोलूँ, मैच तो बस कराची जीत गई है। स्टार्ट अच्छा नहीं करा पर एंड बहुत ही ज़बरदस्त करा है, वो एक मुल्तान सुल्तान वाला एक मैच हार गए भाई 3 रन से, एक मैच हारे हम 2 रन से, 1 रन हाँ मतलब हम जीते जीते मैच हारे, तो इस चीज़ का मुझे तो गम नहीं है क्योंकि कराची ने बहुत अच्छा खेला है। और इंशाल्लाह कोई बात नहीं, इंशाल्लाह PSL 9 में कमबैक करेंगे। क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं अभी हैं? आपने जो बोला था वो नहीं हो पाया, लाहौर तो हार गई, आप लाहौर के साथ थे, आपकी टीम हार गई भाई। आप किसी को भी सपोर्ट नहीं करो ना, ठीक है? तो भाई अब कोई बात नहीं, वैसे लाहौर कलंदर का सेमीफाइनल है, किसके साथ?
मुल्तान सुल्तान के साथ, और राशिद खान को जो हेलमेट पे बॉल लगी है भाई, भाई मेरे ख्याल से लास्ट विकेट, क्योंकि वो तो चले गए ना राशिद खान, इस वजह से मेरे को लगता है क्योंकि ये लास्ट ही विकेट है। क्या लगता है, छक्का, छः रन भाई, छः रन, रऊफ के नाम छः रन। ओहो भाई लपारू, हमारे पाकिस्तान बॉलर भी हिटर है भाई, किसी को नहीं देखते, चाहे वो अपना शानशाह हो जाए, उन्होंने 50 मारी थी, रऊफ ने भी इससे पहले, जमान खान ने भी 6 मारा था भाई, वो मोहम्मद उमर को, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, हमारे बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट पिच पे जेम्स फुलर को छक्का मारा है, खैर कोई नहीं, अभी तो सबसे पहले मैंने ये भी डायग्राम बनाई है, मैंने ठीक है ये बनाई, और दूसरी मैंने कौन सी बनाई थी, ख्याल से ये बनाई थी शायद, जी हाँ मैंने ये बनाई, और वापसी छे यार भाई, ये देखो बैक टू बैक भाई, सक्सेस बैक टू बैक, वाह रऊफ वाह, ये निकाल, एक विकेट है भाई, एक विकेट, सिर्फ एक विकेट की बात है, निकाल लो एक लास्ट विकेट, लास्ट विकेट, और मोहम्मद उमर आ चुके हैं जिन्होंने एक विकेट लिए, फकर जमान की वही मेन विकेट थी, मैच नहीं 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 बचत, मोहम्मद उमर सामने रऊफ, वापस हिट करने की कोशिश नहीं, से भाई विकेट विकेट भाई, इस बॉल पे देखते हैं क्या होता है, मोहम्मद आरिस, और ये गेम फिनिश, बस शाहिद खान तो नहीं है, सो इस वजह से कराची किंग ये मैच जीत चुकी है 86 रनों से, बहुत अच्छा कराची किंग ने खेला, और मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच भी इमाद वसीम लेंगे, क्योंकि 45 रन और इसके साथ साथ दो विकेट्स भी लिए हैं, मैन मैन एक लीजिए डेविड हुए थे कि कपन इसके लिए याद नहीं आ रहा, सो बहुत अच्छा खेला कराची किंग ने, कोई बात नहीं इंशाल्लाह, चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब्दुल मतीन जीत गई कराची भाई, ये है लास्ट विकेट, जेम्स फुलर ने कैच करा था, सो मैच विन। सो बस अभी मैं फटाफट से दो तीन डायग्राम और भी देते हैं, वो डायग्राम बनाते हैं, पर उसके बाद कुछ खाते हैं पीते हैं, और थोड़ा कुछ काम भी करना है वो भी करते हैं, फिर